खरगोन जिले में झिरनिया जनपद के ग्राम पिछोड़िया में 2 माह पहले एक मकान में आग लग गई थी, जिसमें गृहस्थी का सामान सहित नगद रुपए जल गए थे। आग जलने के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां महिला रेखाबाई जले बर्तन और बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगी। महिला का कहना था कि उसके घर में आग लग गई थी। कच्चा मकान होने से मकान निर्माण के लिए पति 2 लाख रुपए उधार लाया था, जो आग में जल गए। मेरे 4 बच्चे हैं। आग में हुए आर्थिक नुकसान को पति सहन नहीं कर पाया और उन्हें तंगी की हालत में 4 दिन पहले छोड़कर चला गया। महिला मजदूरी कर 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही है। सर पर छत भी नहीं, खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। महिला ने कलेक्टर से नुकसानी का मुआवजे की मांग की है। महिला की समस्या को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने राशन उपलब्ध कराते हुए संबंधित क्षेत्र के SDM और तहसीलदार से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शिकायत लेकर आया हम, यही लेके आए कि हमारी जो भी नुकसानी हुई है वो नुकसानी हमको कलेक्टर साहब दिलवाए। क्या नुकसानी हुई? गौ, दीवार, फल्ली, गुर्दे, पिल्ली, दाल दूल सब जल गया। पैसे सब इतनी नुकसानी हुई है हमारी। क्या हुआ? क्या वो लोगों ने लड़ाई करी? पहले तो वो लोगों ने पत्थरे चलाए, तो हमने बोला कि कह रहे क्यों पत्थर मार रहे हो तुम, तो बोले कि तुमको आज हम मारेंगे पीटेंगे। तो हमने बोला कि क्यों, तो वही कि तुमने हमारी शराब पकड़वाई थी। हमने कहा हमने तो तुम्हारी शराब नहीं पकड़वाई। वो मैडम ने क्या पता कब पकड़ी के, हम तो काम पे आ गए थे, तो वो लोगों ने वो सब था कि हमको मारा पीटा। मेरी भांजी और मेरी ननद इनके सीने उन पे भी मुक्के चलाए। वो लोग आजाद घूम रहे हूँ, मैं मेरे बच्चों को नाथ कटवा रही हूँ, तो कैसे सरकार होगी? मैं सरकार से यही मांगती हूँ कि मेरे को मेरी नुकसानी दो, नहीं तो फिर मैं मेरे बच्चों को यही दवा पिला के यही मार डालूंगी और मैं भी यही मर जाऊंगी। ऐसे तो मेरा पति तो चले गया किधर मेरे को छोड़ के, मेरे में इतनी हिम्मत थोड़ी 4 बच्चों को पालने की। अभी आप साहब से मिले क्या? मैं साहब से मिली हूँ। साहब बोल रहे कि वो जिन लोगों ने तुम्हारा मकान जलाया है उन पर और डबल से कार्रवाई कर जाए। ये बर्तन क्यों लेके आए आप यहाँ पर? मैं ये बर्तन बताने के लिए लाई थी कि भला कोई भी अधिकारी और फिर कलेक्टर साहब ऐसे बर्तनों में खाना पका के खा सकते हैं, तो मेरे बच्चों को मैं भी खिला के। पापा 2-3 दिन से लापता है, बोलते हैं कि मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा और दिवाली पे क्या कपड़े लाके दूंगा। मेरे पापा तो उसके टेंशन से मारे क्या मालूम किधर चले गए। अभी आ नहीं रहे हो? कहाँ गए कोई मालूम? हमको क्या मालूम, मेरे पापा ऐसे बोलते कि टेंशन के मारे मैं किधर मुए में कूद के मर जाऊंगा, क्या करूंगा। मकान कितना चल रहा है बेटा तुम्हारा? सोनिया और ऐसी करी करता और नंदयानी। क्यों चला? क्या मालूम सर, जब पानी भरने मेरे बहन और मैं वो आए थे और उनके साथ में तो हमको पत्थरे मारे, फिर उधर भगा दिया, फिर आग जला घर को आग लगा दी और घर जला दिया। क्या नाम है तुम्हारा? रेणुका। कहाँ रहते हो? पिछोड़िया। मेरी बच्ची है बड़ी रेखा। कहाँ रहते हो? बड़ी। क्या हुआ था आपके साथ? वो लोग एक थे तो शराब का धंधा करते थे, उनकी शराब मैडम ने पकड़ी, क्या पता कौन सी मैडम थी, तो वो लोग सब खा के हमको मार पीट की और मेरी भांजी को भी मारा और मेरी ननंद को भी मारा और मेरे को भी मारा। हमको मार पीट लिए, फिर ये तो हमको खतरे मार के उधर भगा गई और फिर आए वापस तो सोनिया ने और आशा कार्यकर्ता ने आग लगाई और उस नद्या ने उत्तर चलाए। कब की बात है? मंगलवार। ये मंगलवार नहीं, 2 महीने होने में हो गए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं मेरा नुकसान देखो ना। अच्छा भी है, आप बर्तन लेके भी आए हैं? मैं बर्तन इसके लिए लेके आई हूँ कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो मेरे बच्चों को इधर उधर से कब तक मैं मांग के खिलाऊंगी। मेरा मन ये कि अब मेरे बच्चों को भी दवा पिला के मार डालती और मैं भी मर जाती हूँ, यही मरती हूँ। भी आप साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? बोल रहे हैं, बोले जिन्होंने मकान जलाया है तो उन पे कार्रवाई और डबल से करेंगे वो लोग। अब मालूम पड़ता है करते हैं कि नहीं, तो फिर मैं अभी कहाँ रह रहा हूँ, कैसा गुजारा चल रहा है? तो वहाँ रह रही हूँ ना भैया। कहाँ पर? पसरावत में रह रही हूँ, काम करने निकले आ गई मैं। वो लोगों से पैसे लाई थी मैं, 2,60,000 हमने कमदारी पे उठाए।
तो फिर उनके पैसे काटने के लिए वो लोग हमको यहाँ ले आई, तो वो लोग हमको रोज काम करवाते हैं और उन लोगों से पैसे मांगना तो बोलते हैं कि रोज रोज तुमको पैसे कहाँ से देंगे, पहले पैसे कटवाओ उसके बाद में पैसे लो। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को काम करवा रही हूँ और मेरे पति के दिन है, फिर भी हम लेते बोलते और ये काम करते उनका वो बच्चे। क्या नाम है हमारा? क्या नाम? रेखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।